और इसी बीच एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां मोहन सरकार का बड़ा फैसला, जमाखोरी को रोकने के लिए मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गेहूं भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। थोक व्यापारी 3,000 टन गेहूं रख सकते हैं। खुदरा व्यापारियों के लिए लिमिट तय की गई है 10 टन। व्यवस्था 31 मार्च 2025 तक लागू रहने वाली है। नियम के उल्लंघन पर स्टॉक जब्त किया जाएगा। व्यापारियों को सरकार को देनी होगी जानकारी। उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सीमा तय की है। बड़ी जानकारी भोपाल से आपको दे रहे हैं, जहां पर जमाखोरी से बचने के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला मोहन सरकार का, जहां गेहूं भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। थोक व्यापारी रख सकते हैं 3,000 टन गेहूं। खुदरा व्यापारियों के लिए लिमिट 10 टन के तय की गई है। व्यवस्था 31 मार्च 2025 तक लागू रहने वाली है। नियम के उल्लंघन पर स्टॉक जब्त किया जाएगा। व्यापारियों को सरकार को देनी होगी जानकारी। उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने तय की सीमा। तो लगातार देखा जाता था कि जो व्यापारी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में गेहूं का भंडारण कर लेते थे। कई बार गेहूं का भंडारण जो होता था उसे रिलीज़ नहीं किया जाता था मार्केट में, और वो गेहूं ख़राब हो जाता था। बहुत बड़ी मात्रा में जो खाद्य सामग्री है, जो गेहूं था, वो ख़राब भी होता था। और यही कारण है कि जमाखोरी से बचने के लिए, ठगी से बचने के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये वाकई में बहुत बड़ा फैसला है मोहन सरकार का, जहां पर जमाखोरी से बचने के लिए लिमिट तय की कर दी गई है, चाहे वो खुदरा व्यापारी हो चाहे वो थोक व्यापारी हो। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मार्च अप्रैल में जब गेहूं की फसल आती है और उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार जो है उसे उचित मूल्य पर खरीदती है, इसके साथ ही बड़े स्तर पर जो किसान ऐसे होते हैं जो प्राइवेट जो अनाज व्यापारी हैं उनको इसका विक्रय करते हैं, और ऐसे में वो बड़ी मात्रा में जो इस अनाज का भंडारण कर लेते थे और मार्केट में इसको रिलीज नहीं करते थे, जिसके चलते जो आम उपभोक्ता है जो गेहूं खरीदने बाजार जाता था उसको महंगे दामों में गेहूं खरीदना पड़ता था। और जब इसकी जब महंगाई तेज, मतलब दाम उसके जब ऊंचे हो जाते थे, उसके बाद इसको धीरे धीरे स्टॉक को बाहर किया जाता था। सीधे तौर पर ये काला बाजारी का जो खेल है वो गेहूं का स्टॉक करके किया जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश जारी किए हैं और साफ तौर पर ये कहा है कि जो बड़े व्यापारी हैं वो केवल 3,000 टन का गेहूं भंडारण कर पाएंगे। इसके साथ ही जो फुटकर व्यापारी हैं वो केवल 10 टन गेहूं का भंडारण कर पाएंगे, और यदि इससे अधिक वो भंडारण करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भंडारण है वो तो जब्त किया ही किया जाएगा, बल्कि उन पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी और उनका जो लाइसेंस है वो फूड का वो भी उनका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा कदम ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उचित मूल्य पर जो है, अगर मैं कहूँ MSP पर जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार 2,250 रुपये में गेहूं की खरीदी करती है, लेकिन ये गेहूं जो बाद में दिसंबर के महीने तक 2,800 और 2,900 तक में मार्केट में बिकने लगता है, उसके पीछे का कारण यही रहता है कि मार्केट में गेहूं होता नहीं है और सरकार जो गेहूं खरीदती है वो PDS सिस्टम के माध्यम से गरीब लोगों को वितरित करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो थोक व्यापारी हैं उनका एक तरफा राज जो है वो मार्केट में चलता था, उस मार्केट के में जो कालाबाजारी करते थे उसको रोकने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का ये बड़ा कदम माना जा सकता है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शैलेंद्र। और इस तरीके से वाकई में बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जो भंडारण होता था उसमें बहुत घोटाला भी होता था, और यही कारण है कि ये एक नई व्यवस्था लागू की गई है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खंडवा से बड़ी खबर की। ओंकारेश्वर नाव संचालक संघ दो फाड़ नजर आ रहे हैं, जहां अवैध नावों का संचालन बंद करने की मांग की जा रही है। अवैध नाव चलाने वालों के ने की लाइसेंस की मांग, और कलेक्टर सांसद साथी विधायकों से मुलाकात भी की गई है। अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से लाइसेंस की मांग की गई है। खबर खंडवा से है। ओंकारेश्वर नाव संचालक संघ दो फाड़ नजर आ रहे हैं, जहां पर अवैध तरीके से जो लोग नाव चला रहे हैं वो लाइसेंस की मांग कर रहे हैं। गाँव को बंद हुए करीब करीब 1 से 1.5 महीना हो गया है। कभी वर्षा काल की वजह से परेशान हो रहे हैं, कभी प्रशासन की जो लापरवाही है बोल सकते हैं, कि जब भी हमने निवेदन किया है, आवेदन निवेदन किया है, प्रशासन ने कहीं ना कहीं घानापूर्ति करके उस काम को ख़त्म कर दिया। और हमारे परिवार के कुछ लोगों के पास क्या है कि लाइसेंस नहीं थे, इस संबंध में हम चर्चा करने जिलाधीश महोदय एवं सांसद जी के सानिध्य में यहाँ आए थे, और लाइसेंस की ही प्रक्रिया को लेकर हमारी चर्चा हुई कि वर्तमान में जो नावें
मतलब जो नाव चल रही है इन लोगों को लाइसेंस दिए जाए। ओमकारेश्वर नाविक संघ वालों का विषय था कि कुछ वैध है अवैध है, कुछ लोग इंजन जब्त थे तो उस बारे में चर्चा थी और जिनकी छोटी मोटी त्रुटियां थी उनके इंजन को लेकर जो है कि कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि जो छोटी मोटी जिनकी त्रुटि होगी उनके इंजन जो जब्त है उनको वापस किए जाएंगे और व्यवस्थित ढंग से ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले। और अब इंदौर से खबर, जहां खजूरी बाजार में नगर निगम पहुंचा अतिक्रमण हटाने पर कार। अनंत चतुर्दशी चल समारोह के अंतर्गत आने वाले जर्जर मकानों पर यह कार्रवाई शुरू की गई है। खजूरी बाजार में जर्जर मकान को निगम के अमले ने गिरा दिया है। कार्रवाई के दौरान विरोध करते हुए रहवासी नजर आए हैं। तो खजूरी बाजार में आप देखिए किस तरीके से जो अतिक्रमण है उसे हटाया गया है। निगम अमला मौके पर मौजूद रहा है। खजूरी बाजार का ये पूरा घटनाक्रम संवाददाता मिथिलेश जुड़ गया। मिथिलेश, अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है, इस दौरान लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा? देखिए, अनंत चतुर्दशी के दिन इंदौर में एक बड़ा कार्यक्रम होता है, चल समारोह निकलता है और कई किलोमीटर तक ये समारोह जो है चल समारोह के रूप में चलता है। उसमें लाखों लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। सुरक्षा के लिहाज से जहां जहां जिस रूट से ये चल समारोह निकलने वाला है वह जहां पर जिन मकानों को जर्जर भवन का नोटिस दिया गया था उन्हें हटाने काम किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से एहतियात के तौर पर कि कहीं उस दिन कोई हादसा नहीं हो जाए तो उसके पहले जो जर्जर भवन है उन्हें हटाया जा रहा है। आज नगर निगम की टीम जो है रिमूवल की टीम खजूरी बाजार पहुंची, वहां पर जब एक जर्जर मकान को तोड़ा जा रहा था तो उस मकान के जो मालिक है उनके द्वारा विरोध किया गया। आसपास जो दूसरे आबादी है वो भी नगर निगम कार्रवाई के विरोध में खड़े हो गए। काफी हंगामे के बीच ये कार्रवाई हुआ लेकिन प्रशासन ने कहा था कि अगर सरकारी कार्यों में बाधा डाला तो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस बहुत पहले दिया गया था, समय रहते इसे आपने नहीं तोड़ा था, सरकार के द्वारा नगर निगम के द्वारा इसे तोड़ा जाएगा क्योंकि इससे कभी भी हादसा हो सकता है, इसलिए नोटिस दिया हुआ है, कार्रवाई तो होगी। और अगर आप किसी ने हंगामा किया या किसी ने इसका विरोध किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन हंगामा चलता रहा, हंगामे के चलते नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है और एहतियात के तौर पर बड़े सुरक्षा फोर्स भी लगाया गया था, कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसलिए वहां पे कई सारे थाने का फोर्स भी मौजूद रहा, नगर निगम के तमाम अधिकारी मौजूद रहे और खजूरी बाजार से जो जर्जर भवन है उन्हें तोड़ने की कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश। और साथ ही जब ये कार्रवाई की जा रही है खजूरी बाजार में, लंबे समय से देखा जाता था कि जो अवैध तरीके से जो अतिक्रमण है वो तो है ही, लेकिन कुछ मकान या कुछ दुकानें ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल जर्जर हालत में होती हैं, यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़े हादसे हो सकते हैं। देखिए, अगर इंदौर के खजूरी बाजार, राजवाड़ा, अगर इन क्षेत्रों की बात करते हैं तो इंदौर के प्राचीन बाजारों में से एक है। इंदौर का सबसे प्राचीन जो हिस्सा है वो यही क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे कई जो मकान है, दुकान है, कई सौ साल पुराने हैं और लगातार इन क्षेत्रों में चिन्हित करके उन जर्जर हिस्सों को, उन जर्जर भवन को तोड़ा जा रहा है। और ऐसे ही आज एक भवन को तोड़ा गया जो पूरी तरीके से जर्जर हालात में था, उसके कई सारे जो हिस्सा है पूरी तरीके से खराब हो चुका था और कहीं ना कहीं वो कभी भी गिर सकता था और उसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने का आशंका व्यक्त की जा रही थी। लेकिन चल समारोह निकलना है, चल समारोह के पहले तैयारियां की जा रही, जगह जगह पे हैलोजन लाइट लगाया जा रहा, हाई टेंशन लाइन को जो है वो ऊपर किया जा रहा है और ये जो भवन है जो उस रूट पे आते हैं जिनकी वजह से कोई हादसा हो सकता है उन्हें तोड़ने की कार्रवाई भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जबलपुर से बड़ी खबर की, जहां 10 लाख से ज्यादा का खाद घोटाला सामने आ रहा है। 970 बोरी यूरिया और 530 बोरी डीएपी गायब कर दिया गया। समिति प्रबंधक सेल्समैन पर गबन का आरोप लगा है। बाजार में बेच दी किसानों को दी जाने वाली खाद, खाद्य विभाग की औचक निरीक्षण में यह खुलासा हुआ है। चरगवा के नया नगर भरतपुर सोसाइटी में ये गबन का मामला सामने आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जबलपुर से, जहां पर 10,50,000 का खाद घोटाला सामने आया है। औचक निरीक्षण किया गया था जहां जो स्टॉक है यूरिया और डीएपी का, वो स्टॉक जो पीओएस मशीन में दिख रहा था और फिजिकल वेरिफिकेशन में काफ़ी कम मात्रा में पाया गया। इसके संबंध में इनके द्वारा जांच करके
कल FIR के लिए थाने में उपस्थित हुए, जिसमें आरोपी हैं राकेश नंदेसरिया, शाखा प्रबंधक हैं, और समिति के जो समिति प्रभारी हैं उसमें नन्हेलाल झारिया और अनीस मिश्रा है। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीम ने जब जाके जांच की तो वहाँ पर खाद की कुछ कमी पाई गई, स्टॉक में हेराफेरी की गई। उसकी डिटेल जब जांच की गई तो उसमें अनियमितता पाई गई। उस अनियमितता के लिए जो सोसाइटी है उनके विरुद्ध FIR कराई गई। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ ब्लॉक में कुवारी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से सेंथरी खिटोरा ग्राम पंचायत में नदी का पानी रपटे के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की तरफ से यहां कोई व्यवस्था नहीं की गई, ना ही यहां खतरे का कोई साइन बोर्ड लगाया गया, और इसी बीच कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर पुल की कहीं कितने गांव? कम से कम 5-25 गांव है। अच्छा, प्रशासन की कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। वो यहाँ पे कोई दुर्घटना हुई कि नहीं? अभी तक कोई नहीं हुई है। अच्छा, वो प्रशासन यहाँ पे आता है कि नहीं आता? बिल्कुल कोई भी सुनो। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायसेन जिले के बेगमगंज में मड रेस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बाइक चालकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मड रेस में भाग लेने वाले कई वाहन कीचड़ में फंस गए। बेगमगंज मुस्लिम त्योहार कमेटी द्वारा आयोजित हुई मड रेस में बाइक राइडरों ने जोश जुनून और जज्बे के बल पर अपने कर्तव्य का प्रदर्शन कर सभी को हैरत में डाल दिया। इस बाइक मड रेस में भोपाल, सीहोर और रायसेन से आए वाहन चालकों ने कीचड़ और दलदल में अपनी बाइक चलाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। खबर गरियाबंद से है, जहां पर कूड़े दादर में चार भालुओं ने हमला उत्पात मचाया हुआ है। भालुओं के उत्पात से दहशत में ग्रामीण हैं। गांव में भालुओं के घुसने से घरों में लोग दुबके हुए नजर आते हैं। भालुओं ने धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। छुरा वन परिक्षेत्र के ग्राम कुड़ेरा दादर की ये पूरी घटना सामने आ रही है, और यहां पर आप देखिए किस तरीके से भालू फसलों को रौंदते हुए नजर आ रहे हैं, उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं, और अब लोग डर के साए में जी रहे हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है, क्योंकि पहले तो जंगली जानवर रात के वक्त दस्तक देते थे, लेकिन अब दिन में भी ये खेतों में घूमते टहलते उत्पात मचाते हुए नजर आ जाते हैं। कुड़ेरा दादर में चार भालुओं ने आतंक मचाया हुआ है, तस्वीरें आपके सामने हैं, और इसके चलते ग्रामीण दहशत में है। तो ग्रामीण अपने घर में दुबके हुए हैं, घरों से बाहर निकलना मुश्किल है, फसलों को भी जो भालू हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर भालू के आतंक की। ये तस्वीरें जब लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है, और ये भालू खेतों को भी रौंदते हुए नजर आए। इसी के साथ खबरों में